हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताया, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के बारे में, समाजशास्त्र का सेकंड सेमेस्टर, और इसका यूनिट नंबर 3 हम कंप्लीट करवा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वीडियोज देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 का ये आज हमारा डे नंबर 4 है। डे नंबर 3 तक में हमने आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन एंड लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कि अगर आपको इस यूनिट से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर आपका स्टार्ट हो रहा है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि भारतीय ग्रामीण समाज में जात की भूमिका के बारे में बताइए, कि भारतीय ग्रामीण जो समाज रहा है उस ग्रामीण समाज में जात की क्या भूमिका रही है, इस पर बताइए। तो देखिए, जात व्यवस्था भारत की जो है अति प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में से एक है, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, और भारत का ग्रामीण समाज पूर्ण रूप से एक परंपरागत समाज रहा है, जिसमें आज भी जो व्यक्ति के व्यवहार है उसका निर्धारण बहुत बड़ी सीमा तक उसके जात के द्वारा प्रतिपादित जो नियम है उसी के आधार पर होता है। अनेक विद्वान ऐसे हैं जिनका मानना है कि नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाति व्यवस्था का प्रभाव सबसे ज्यादा है। नगरीय समुदायों में आज जाति व्यवस्था का प्रभाव बड़ी तेजी से कम हो रहा है, जबकि ग्रामीण जीवन की अगर बात करें तो आज भी व्यक्ति की जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति है उसका निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है वो जाति व्यवस्था है। ग्रामीण जीवन में जो है जात व्यवस्था की भूमिका को स्पष्ट करते हुए जो है मदान जी ने लिखा है कि भारतीय ग्रामीण समाज जो है उस संरचना में जात संस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इस पे और आगे देखते हैं और विद्वानों ने क्या कहा हुआ है या आगे इस पर क्या है। तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें को जात व्यवस्था के अभाव में नहीं समझा जा सकता। अगर हमको भारतीय ग्रामीण समुदाय को समझना है, उसकी सामाजिक संरचना को समझना है, तो हमको जात व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जात व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे पहली चीज है आपका जाति और ग्रामीणों का आर्थिक जीवन। भारत में ग्रामीणों के संपूर्ण आर्थिक जीवन में जात व्यवस्था का स्पष्ट हमें दिखाई देता है। ग्रामीण आर्थिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो जातिगत नियमों के द्वारा जुड़ा हुआ ना हो। दूसरा है निवास स्थान और क्षेत्र का निर्धारण। ग्रामीण आवास प्रतिमान तथा जाति व्यवस्था के नियमों के बीच एक बहुत घना संबंध है। गाँव में विभिन्न जाति व्यवस्थाओं का निवास अलग अलग बस्तियों और मोहल्लों में होता है, और अक्सर इन बस्तियों को जो है उनकी जातियों के आधार पर संबोधित किया जाता है। ऐसा हमने देखा है कि जो है निषादों का है, ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये जो है हरिजनों का मोहल्ला है। तो इस आधार पर हमने देखा है, आपने भी अपने समाज में ज़रूर देखा होगा इस तरीके की कि ग्रामीण में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका जाति और व्यवसाय। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय और उससे संबंधित जो मनोवृत्तियाँ हैं उस पर भी जाति व्यवस्था का बहुत गहरा छाप देखने को मिलता है। गाँव में यह समझना जो है आवश्यक समझा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परंपरागत व्यवसाय के द्वारा ही अपनी आजीविका को क्या करे, अर्जित करे। अगली चीज है आपका जाति और पारिवारिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो परिवार संपूर्ण सामाजिक संरचना की जो है एक केंद्रीय इकाई है। परिवार से जुड़ा हुआ हर एक चीज है। जाति व्यवस्था ने बहुत प्राचीन काल से ही उन मान्यताओं को बल दिया है जो ग्रामीण संयुक्त परिवार को स्थिर बनाए रखने में ज्यादा सहायक होते हैं। अगली चीज अगर बात किया जाए तो धार्मिक स्थिरता में योगदान है, यानी कि ग्रामीण समुदाय में जाति और धर्म के बीच एक घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। ग्रामीण जीवन की जो है विधि वो ग्रामीण साधनों के अनुसार ही चलती है। साधनों के अभाव में यदि धार्मिक विश्वास दुर्बल पड़ जाए तो व्यक्तिक और सामुदायिक समस्याओं में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है कि संपूर्ण ग्रामीण समाज की संरचना जो है वो टूट जाती है। इन धार्मिक विश्वासों के संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक प्रभाव बनाए गए हैं जो जाति व्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करें नेक्स्ट की जाति व्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक जो मूल्य है वो व्यक्ति की मनोवृत्ति और व्यवहार का निर्धारण करके सामाजिक संगठन को एक विशेष रूप दिया जाता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में जात की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसने सामाजिक मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार से किया है जिससे कि कोई भी समूह आपस में संघर्ष ना करे। अगला चीज है जाति पर शिक्षा का प्रभाव। गांव में जाति ही शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति का निर्धारण करती है। अनेक परिवर्तन हो जाने के बाद भी आज भी गाँव में जो है जो ब्राह्मण जातियाँ हैं वो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। अगली चीज है जाति और राजनीतिक व्यवस्था। नगरीय क्षेत्रों में तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में आज ही भी जो जाति है वो राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने में लगी हुई है।
ग्रामीणों में आज भी जातीय चेतना इतनी ज्यादा है कि चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन और मतदान से संबंधित जो निर्णय है वो जाति को आधार मान करके ही किया जाता है, जो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन ये चीजें हैं हमारे समाज में, हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने इस तरीके से अलग अलग चीजों को देखा जो भारतीय ग्रामीण समाज में जात की भूमिका का निर्धारण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि विविधता क्या है और इसके कारण को बताओ। विविधता मतलब अलगाव होता है, बेसिकली समझ सकते हैं। तो विविधता से तात्पर्य है कि जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान में साथ साथ निवास करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो है व्यक्ति शारीरिक रचना की दृष्टि से समान होता है और उनके मूल जो हैं वो ऐसे होते हैं जो जिन्हें विशेष लक्षणों के कारण ऐसे समूहों में रखा जाता है जो उन लक्षणों में से जो है निश्चित लक्षण वाले समूहों से अलग होता है। अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार हैं जो किसी भी देश के निवासियों में विविधता को विकसित करते हैं। अगर हम इस विविधता के अर्थ के बारे में समझें तो विविधता का जो आशय होता है वो व्यक्तियों और समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। विविधता के अवधारणा में जो है स्वीकृत और सम्मान सन्निहित होती है, जिसका अर्थ यह है समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट और अनुपम होता है तथा हमें जो है अपने व्यक्तिगत भेदों को मान्यता देनी चाहिए। ये भेद प्रजाति, सुजाति, लिंग, लैंगिक, अभिविन्यास, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, आयु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वास तथा वैचारिक जैसे बहुत सारे पहलुओं के आधार पर हो सकता है। विविधता के अध्ययन से जो है अभिप्राय इन भेदों का अन्वेषण, सुरक्षित, सकारात्मक और पोषक जो वातावरण है उसके रूप में एक दूसरे को समझने और सरल सहिष्णुता में विविधता के बहुमूल्य जो पहलू हैं उनकी ओर बढ़ने से है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जब ऐसा नहीं होता तो कोई भी समाज विविधता के होते हुए अपना अस्तित्व जो है, अपना अस्थायित्व जो है वो बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता था। अब कारण के बारे में बात किया जाए कि विविधता के कारण क्या है। तो भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेकों प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है और समाज में विभिन्न जातियों का अस्तित्व है। इसके बावजूद भी सभी एक देश और एक स्थान पर साथ साथ मिलकर के निवास करते हैं, जो भारतीय समाज की विविधता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पहली चीज आती है इसमें जातीय कारण, कि भारतीय समाज और संस्कृति में जातीय विविधता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि यह विविधता प्राकृतिक और बाह्य कारणों से नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति की ही देन है, तथापि अलगाव और सामाजिक जीवन के खंडात्मक जो विभाजन है उसकी दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। जे एच हट्टन के अनुसार भारतवर्ष में करीब 3000 से भी ऊपर जातियां और उपजातियां हैं जिनकी उत्पत्ति इसी समाज के भीतर हुई है, और परंतु क्या हुआ कि सामाजिक सम्मेलन की दृष्टि से जातिगत विविधता ने इन्हें भारतीय समाज में बड़ा अलगाव पैदा कर दिया है। विवाह, छुआछूत, जात के प्रति भक्ति, दूसरी जातियों के प्रति ऊंच नीच की भावना, उनसे उत्पन्न घृणा के कारण ही भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है। दूसरा है संजातीय कारण। निर्जातकी समूह किसी समाज की जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग होता है, जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन और धर्म संस्कृति, इन सभी की उत्पत्ति आदि आधारों पर जो है अपने को दूसरे से अलग समझती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग या संस्कृति जिससे संबंधित लोगों के एक समूह को निर्जातीय की संज्ञा दी जाती है। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान तथा सामाजिक समूह की जो है एक निर्जातीय समूह होता है जिसकी अनुभूति उस समूह और अन्य समूहों के सदस्यों को होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अगला बात करें तो भाषाई कारण इसके हैं कि जो है भाषा मनुष्य की जो है अभिव्यक्ति होती है, और मनुष्य की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करने के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पावरफुल चीज़ है। प्राकृतिक अलगाव के कारण इस देश में प्रायः प्रत्येक 10 मील पर भाषा और बोली में अंतर पाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे भारतीय संविधान में केवल 18 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है, लेकिन हमारे देश में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश और समाज में भाषा का विविधता बहुत है, और भारत की सभी भाषाओं को अगर हम बांटा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि इंडो आर्यन भाषा परिवार, यानी कि हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी अगर आ रहा है तो उसको ये समझेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रविड़ी भाषा परिवार, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली और गोंडी जो भाषा है।
अगला है आपका आस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें आपका बिरहोर, कोरकू, खोहो, खरिया, भूमिज, संथाली, मुंडारी, जुआंग, खासी, कोरवा, ये सारी भाषाएं सम्मिलित हैं। और अगला आता है आपका भौगोलिक कारण। भौगोलिक दृष्टि से भारत अलग अलग खंडों और उपखंडों में बटा हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह संपूर्ण जो भूभाग है ये तीन भागों में बांटा गया है। हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठारीय जो है सभी खंड और उपखंड जो दक्षिण के पठार के हैं। अगला अगर हम जनजातीय कारण बताएं तो भारतवर्ष में अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज की आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से बहुत दूर हैं और इन्हीं को जनजाति अथवा वन्य जाति कहा जाता है। और सभी जनजातियों का जो भाषा है वो अलग है, पूजा विधि भी अलग है, संस्कृति भी अलग है। इन सभी जनजातियों में भी सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है और भारतीय संविधान में जो इनकी कुल संख्या है वो 216 है। और भारत को जनजातीय जो दृष्टिकोण है उसकी दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। पहला दृष्टि क्या है कि मध्य क्षेत्र में, यानी कि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियाँ। दूसरा है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यानी कि हिमालय के तराई में असम, बंगाल की जनजातियाँ हैं। अगला है दक्षिण के क्षेत्र में, जैसे कि केरल की हो गई, मैसूर, मद्रास और पूर्वी जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ हो गई, या फिर पश्चिमी क्षेत्र में जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियाँ हो गई। तो इस तरीके से जनजातियों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।